हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 17 तारीख है और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ जेट एयरवेज। आगे क्या, ये तो कूद लिया और मैंने सारे टारगेट अचीव हुए। मुझे खुशी इस बात की है कि 366 दिखा दिया मैंने, 350 का टारगेट दिया था वो टच हो गया। तो आप लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा अगर इसको 162 के आसपास किसी ने भी बाय किया होगा। और ये जाते बहुत देर नहीं लगा है, 1:10 के आसपास, 1 अक्टूबर को जो था ये लगभग आपका 162 के आसपास था और वहाँ से ये जंप लिया और आज देखिए 366। मुझे मैं नहीं बिलीव था कि इतना जल्दी आ जाएगा। हाँ, टाटा सन्स के साथ इसकी बात चल रही थी, इसके और अमेरिका के साथ बात चल रही थी इसके पोजीशन की, ये बात जरूर था, बट इतना जल्दी आ जाएगा ये मुझे भी बिलीव नहीं था। चलिए कोई भी बात नहीं, अगर किसी ने भी पोजीशन बनाया होगा तो अच्छा कमाया होगा। अब आगे क्या, अब तो ये पोजीशन अचीव हो गया, अब आगे क्या कर सकते हैं? आगे में आप इसको डेरिवेटिव के थ्रू वापस पुट लेके ट्रेडिंग, पोजीशन पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब वापस अगर कोई 300 का पेपर ट्रेडिंग करता है पुट लेकर के, ये अगर किसी को जल्दी से वीडियो से बाहर जाना है तो तुरंत बता देता हूँ, 300 का पुट लेकर के 1450 में मिल रहा है, 1200 का लॉट है, तो आपको ये सिंपल छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट होगा आपको। और ये बैन से भी बाहर आ गया है, अभी बैन में जो है सिर्फ अदानी एंटरप्राइज है और अदानी पावर है, यही दोनों बैन में है, बाकी बाहर भी आ गए बैन से। तो अगर आप सिंपल सा अगर आप सोचते हैं कि अगर मेरे को सिंपल इसमें कोई पोजिशन बनानी है, तो आप यहाँ पर अगर इसके 1200 का लॉट लेते हैं और ये जो चल रहा है 1200 का लॉट, ये चल रहा है आपको 1400 रुपये, 300 का कॉल लेते हैं 1450 पे। तो अगर आप 1450 पे लेते हैं इसको, 1200 का लॉट है और 1450 पैसे, 1400 रुपये पे मान लीजिए आप लेते हैं, क्योंकि एक बार ये ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा, और नहीं भी हो तो आप 1400 रुपये का भी पुट अगर मानते हैं तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। ये आपको पुट है, ये है जेट एयरवेज पुट नवंबर 18, ठीक है, नवंबर 18 का है। स्ट्राइक प्राइस क्या है आपका? 300 का लेते हैं। तो लॉट साइज क्या आपका? 1200 का। और ये है जो आपको यहाँ पे कितना रुपया लगेगा? 1400। और अगर ये 45 गया तो आपको समझिए ये 1200 के लॉट में 37,000 का गेन देगा। अगर कोई भी आदमी अगर यहाँ पे देखिए 300 का, जो कि 1450 पैसे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, इस पे बाई करता है तो 1200 के लॉट के अनुसार उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 16,800 रुपये। और अगर ये जाता है तो आपको जेट एयरवेज तो आपको यहाँ पे 37,000 का गेन दिखा सकता है, क्योंकि 1400 से 4500 रुपये तक जा सकता है। तो अच्छा खासा आपको वैल्यू अप यहाँ दिखाने को मिल सकता है। अब एक चीज़ और चीज़ बता दो आपको कि इसका एक जो रेसिस्टेंस है ना जेट एयरवेज का, वो थोड़ा ऊपर दिखाने को दिखा सकता है, क्योंकि अगर वॉल्यूम चार्ट पे देखें तो ये एवरेज वॉल्यूम चार्ट से ज़्यादा क्लोज हुआ है। तो यहाँ के अनुसार देखें तो अब लेवल भी अप पे क्लोज हुआ है, और अगर इसकी वेटेड एवरेज 340 की थी तो 306 रुपये से ऊपर हुआ है और 366 जो नीचे आया है। ये सिर्फ इसके लिए आया था, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आया था कि इसमें एक न्यूज़ थी कि टाटा सन्स के साथ बोर्ड मीटिंग हो रही थी, और जो कि अभी टाटा ने ये बोला है ये सिर्फ एक इनिशियल स्टेज पे था और कुछ भी नहीं था। मैंने आपको अगर याद होगा तो जब मैं आपको बता रहा था ये वीडियो कैसे, आप बोलेंगे कि हमने दिया था क्या, अब ये देखिए हमने अपने चैनल पर दिया था और आप नीचे देखेंगे तो लेवल भी दिया था। ये आपको जो दिया था लेवल दिया था 270, 300 और 350 का। तो ये वीडियो अगर आप जा करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और क्यों उसके साथ विथ न्यूज भी दिया था जेट एयरवेज लिमिटेड का ये वीडियो था। तो ये वीडियो अगर आप जा करके देखेंगे तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा, लेवल भी पता चल जाएगा, और ये जितने भी देखिए यहाँ पे आप देखें जेट एयरवेज स्टॉक शेयर प्राइस टारगेट 270, 300, 350, ये आपको ऑलरेडी ये वीडियो दिया गया था, ये 4 नवंबर को वीडियो दिया गया था। तो अच्छा खासा पोजीशन, जब देखिए आज जो शेयर लेके आया वो जेट एयरवेज है, हमने देखा जेट एयरवेज में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, 229 के लेवल पे था तब हमने ये टारगेट दिया था, और ये न्यूज़ भी दिखाया था कि जो कंपनी में हिस्से की बात चल रही थी उसके चक्कर में ये चल रहा था। तो आप यहाँ देखेंगे अब इस पूरे वीडियो को जाके देखेंगे तो आपको इस पर लेवल भी मिल जाएगा, ये देखिए 300, 350 कैसे जाएगा, वो आप थोड़ा बैक जाएंगे तो आपको मिलेगा कि 350 तक जाएगा,
ये देखिए 300 फिर 350 यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पीड निकल जा रहा है वीडियो, ये देखिए। तो यहाँ पे लेवल भी दिया हुआ है आपको, तो ठीक है कोई बात नहीं, जिसने नहीं देखा कोई बात नहीं। अब यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, अब उल्टे आप उल्टे की ओर काउंटिंग कर सकते हैं। उस समय देखिए 29 की क्लोजिंग भी थी, तो अच्छा खासा आप लोगों ने इसमें अगर कोई भी पेपर ट्रेडिंग या फाइनल डायरेक्ट लिया हुआ तो अच्छा खासा पेपर ट्रेडिंग करके आपने कमाया हुआ। अब क्या हुआ इसमें, तो अब टाटा सन्स ने इसको डिनाई कर दिया है, अभी टाइम भी ऐसा नहीं है कि मना कर दिया, इसको बोला है टाटा सन्स ऑन जेट एयरवेज डील डिस्कशन एट प्रीलिमिनरी स्टेज नो प्रपोजल मेड। उनकी बोर्ड मीटिंग हो गई और उन्होंने ये बोला है कि कोई प्रपोजल अभी बना नहीं है, ये एक इनिशियल स्टेज पे और डिस्कशन चल रहा है, लेंगे नहीं इसके प्रपोजल बनेंगे, कितने रुपये पे लेगा, क्या लेगा, क्या बायबैक होगा, कैसे शेयर इशू, कितना परसेंटेज होगा, और इसमें 5-6 महीने का टाइम लगता है। तो जो ट्रेडर ने इसमें डिलीवरी आप देखेंगे तो इसमें कोई ट्रेडर ने कोई बहुत अच्छा परसेंटेज में नहीं है, 2-3% के ही आपको इसमें डिलीवरी दिखेगी। आपको देखिए 2.79 की डिलीवरी दिख रही है, ये पूरा ट्रेडर का गेम था। तो अब ट्रेडर आप क्या करेंगे, वापस इसमें पोजीशन क्लोज करेंगे और बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो आपको जो ये 300 का पुट है, ये जो कि 29 नवंबर का 300 का पुट है, ये आपको यहाँ से फ़ायदा दिखाएगा। तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया जेट एयरवेज पे अभी पुट का पोजीशन बना करके आप इसमें खड़े रह सकते हो, आपको अच्छा फायदा दिखेगा। ये किसी भी हालत में, किसी भी हालत में 400 क्रॉस करने को नहीं दिखता है, इसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 400 के लेवल पे, तो ये 400 तो क्रॉस नहीं करेगा। अब कॉल पुट की तरह से अगर समझना चाहें तो अब क्या आपको देखने को मिलेगा कि अभी कॉल साइड से अनवाइंडिंग हो रही है जेट एयरवेज में और पुट साइड में एडिशन हो रहा है। ये देखिए पुट साइड में 300 पे 25,000 का एडिशन हुआ है, 320 पे एडिशन हुआ 20,000 का, तो पुट साइड में यहाँ पे एडिशन हो रहा है। और आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसको यहाँ पे सपोर्ट कहाँ 240 पे 1,83,000 और 200 पे, तो 200 के नीचे तो नहीं जाएगा, ये मैं पहले भी आपको बताया हूँ अभी भी बता रहा हूँ, 200 के नीचे ये नहीं जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो अब दिख रहा है यहाँ पे कि 300 के पास भी आके सपोर्ट तो लगता है कि एक बार ये इसको 300 के पास आके सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर यहाँ से गिरता है आज 340 रुपये गिरता है तो ये आपको इंट्रिंजिक वैल्यू और डे वैल्यूज का गेन मिलने को आपको मिलेगा। और अगर 300 तोड़ता है वापस, ये अगर 300 को तोड़ता है तो वापस आपको 260-265 वहाँ तक जाएगा। तो अच्छा खासा 100 रुपये का अगर आपको यहाँ डिक्रीज दिखता है तो यहाँ पे आपकी पुट की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं हर हस्ते में बोला हूँ अगर आप कोई पोजिशन बनाते हैं और आपको 20-25% 15-20% निकलता है, हर आदमी की अपनी लिमिट होती है, अपने लिमिट को देखते हुए पोजिशन बनाएं और उतना प्रॉफिट बुक करके बाहर भी निकल जाए। अगर आप अपनी पोजीशन को बुक नहीं करते हैं, वेट करते हैं, तो आप रिस्की ट्रेडर हैं और रिस्की ट्रेडर ही के तरह खेलें इसमें। और अगर रिस्क होता है तो किसी को अफसोस भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने ट्रेड किया, रिस्क लेके किया, तो आपको तो कल के कल हो सकता है कि आपको कल या ट्यूजडे तक आपको इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। चाहें तो आप इसमें शॉर्ट पोजिशन भी, अप लेवल देख करके डाउन ट्रेंड होता है तो आप शॉर्ट करके भी इसको खेल रख सकते हैं, फ्यूचर में शॉर्ट भी कर सकते हैं, 1200 का लॉट है। तो जैसा आपको लगे वैसा पोजीशन बनाएं। ये सारे चीज़ मैंने जो आपको बताए ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से था, कोई भी पोजीशन बनाने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर ले। ये था जेट एयरवेज में अब आगे क्या। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।